Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जी की फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे. अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए. मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि माउथ में बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले भी देखने को मिल रहा है और आपको आज यही वीडियो देखने को मिलेगी. कल से मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली अपने टाइम पर वापस से आए. चलिए शुरुआत करते हैं. ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कल लास्ट वीडियो के अंदर आपसे पूछा था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देना है आपको. एक बुक है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया. ये किसके द्वारा ऑथर की गई है? इसके ऑथर कौन है? जयराम रमेश, खुशवंत सिंह, रोमिला थापर या फिर शशि थरूर. तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा जयराम रमेश. इनको देख लेते हैं. ये बुक है, ये बुद्धा की एक बायोग्राफी से रिलेटेड है. इसके अंदर इनकी एक एपिक बायो पोएम है उसको दिखाया गया है जिसे जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है. और ये एक ऑथर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड पर्सन है. इन्होंने 1879 के अंदर एक फैसिनेटिंग स्टोरी है उसके ऊपर ये पोएम लिखी है. आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसीडर करना इन सभी स्टेटमेंट को सिक्किम के अंदर जो फ्लोरा देखने को मिलता है उसके बारे में. आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं. खूबसूरती तो वैसे भी वही बात, हमारे छोटे छोटे राज्य हैं बहुत खूबसूरत हैं ये नॉर्थ ईस्ट से. BSI के अकॉर्डिंग सिक्किम के अंदर, सिक्किम होम है 27% जो फ्लावर्स हमारे देश के अंदर देखने को मिलते हैं उनकी. सिक्किम फॉरेस्ट्री ये रूल है 2018 के अंदर लाए गए थे स्टेट के अंदर. इसके अकॉर्डिंग स्टेट है वो अलाउ करेगा लोगों को कि वो जो जिस ट्री के साथ एसोसिएटेड है या फिर जो उनके आंगन के अंदर या फिर उनकी प्राइवेट लैंड के अंदर है उस ट्री को, या फिर कोई पब्लिक लैंड के ऊपर है लेकिन उसके साथ में लोगों का मिटनी रिलेशनशिप है, मतलब कि पर्सनल इंगेजमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है, उससे रिलेटेड है, तो वो उनको एसोसिएशन प्रोवाइड करवाएगी इससे रिलेटेड. तो हमें बताने में से कौन से स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है. हमारे ऑप्शन था फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं. तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा इनकरेक्ट पूछा गया है इसलिए हमारा आंसर होगा सेकंड, बिकॉज ये रूल्स हैं ये 2017 के हैं ना कि 2018 के. देख लेते हैं. सिक्किम जो हमारे देश का एक बहुत ही छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है कहने की बात है ये, जिसके पास सिर्फ हमारी पूरी कंट्री की 1% लैंड है लेकिन फिर भी ये होम है 27% जो फ्लावर्स होते हैं उनके प्लांट हैं वो इसी स्टेट के अंदर पाए जाते हैं. ये रिसेंटली पब्लिक किया गया है किसके द्वारा? बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे BSI इन शॉर्ट बुलाते हैं. सिक्किम के फ्लोरा के बारे में जान लेते हैं. इसके लिए रिलेटेड एक इस वीक के अंदर एक लिस्ट जारी की गई है और एक पब्लिक पिक्टोरियल गाइड भी दी गई है जिसके अंदर बताया गया है 4912 नेचुरली ओकरिंग जो नेचुरली उगते हैं उन फ्लावर्स के बारे में इस छोटे से हिमालयन स्टेट के अंदर. अगर टोटल नंबर की बात करें तो 18,404 स्पीसीज हैं जो इसके अंदर 4,912 स्पीसीज के बारे में इसके अंदर बताया गया है. और प्लांट्स हैं वो सिक्किम के अंदर सिर्फ 7,096 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पाए जाते हैं, उगे हुए हैं, इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा यूनिक बन जाता है. ये स्टेट है, ये पार्ट है कंचनजंगा बायोस्फीयर लैंडस्केप का जिसके अंदर डिफरेंट एल्टीट्यूडनल इकोसिस्टम देखने को मिलता है जो कि प्रोवाइड करवाता है हमें अपॉर्चुनिटी हर्ब्स और ट्रीज को ग्रो करने के लिए. इस पब्लिकेशन के अंदर 532 स्पीसीज हैं वो वाइल्ड ऑर्चिड की दिखाई गई हैं जो कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर 40% अकेला इसके अंदर पाया जाता है. ये पेड़ों की प्रजातियाँ हैं. 36 स्पीसीज हैं वो ड्रोन और 20 स्पीसीज हैं वो ओक की और 30 स्पीसीज हैं वो हाई लेवल मेडिसिनल प्लांट्स हैं. मेडिसिनल प्लांट आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारी तुलसी होती है, उससे ज़्यादा मेडिसिनल तो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. तुलसी, नीम, ये काफ़ी सारे पौधे ऐसे होते हैं जो मेडिसिनल वैल्यूज रखते हैं. सिक्किम की अगर हम फॉरेस्ट्री रूल्स 2017 के बारे में बात करें तो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट है वो अलाउ करेगी लोगों को कि जिन ट्रीज़ के साथ में वो एसोसिएटेड है वो उन्हें वो अडॉप्ट कर सकती हैं अपने बच्चे की तरह और इसी वजह से उनको अडॉप्टेड ट्री कहा जाएगा. इसके आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि एडोप्टिव ट्रीज़ हैं उनको कोई काटने नहीं देगा, इसकी वजह से हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे हमारे फ्लोरा एंड फोना को. अगला क्वेश्चन है हमारा, एटिलिको लगून ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली, ये कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है? यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप, इसकी खूबसूरती तो यहाँ से पता चल जाएगी आपको.
हमारे ऑप्शन है फ्रांस, ग्रीस, रशिया, चाइना। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये ग्रीस के अंदर। आप यह देख सकते हैं ग्रीस को अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गेरिया, टर्की ये टच करते हैं। यहाँ पे एजियन सी भी देखने को मिलता है, सी ऑफ क्रेट भी देखने को मिलता है, मेडिटेरेनियन सी भी देखने को मिलता है, और आयोनियन भी। इसके बारे में जान लेते हैं। ये लोकेटेड है नॉर्दर्न पैराटस गल्फ के अंदर, वेस्टर्न ग्रीस के अंदर। ये पोल्यूटेड लैगून है जिसकी डेप्थ है 30 मीटर्स, जो कि लिंक्ड है नैरो चैनल्स के थ्रू सीज से। रिसेंटली क्या हुआ है, एक ग्रुप है डाइवर्स का, वो यहाँ पे गया और उसने रिपोर्ट किया कि इसके अंदर सैकड़ों इंडेंजर्ड सी हॉर्स देखने को मिले हैं लगून के अंदर। और सी हॉर्स हैं वो प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं, और इनकी क्योंकि ये थ्रेटन्ड होने हो चुके हैं ओवर फिशिंग और पॉल्यूशन की वजह से, और इनको इन्वायरमेंट के अंदर फुल ऑर्गेनिज्म चाहिए फीड करने के लिए, और प्लांट्स चाहिए खुद को हाइड करने के लिए। फिर अपन आ रहा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मिनरल है जो कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि बहुत ही भारी मात्रा में पाया जा सकता है बुक्सवाहा फॉरेस्ट के अंदर। तो हमारे ऑप्शन हैं आयरन और, बॉक्साइट, किम्बरलाइट या फिर ग्रेफाइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, किम्बरलाइट की बात हो रही है। किम्बरलाइट ये एक इग्नेस रॉक है जिसके अंदर मेजर सोर्स होती है डायमंड्स की। बुक्सवाहा फॉरेस्ट है ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर एस्टिमेट लगाया गया है कि 53.70 मिलियन टन से किम्बरलाइट पाया जा सकता है, जिसके अंदर 34 मिलियन कैरेट्स की रफ डायमंड मिल सकता है। इस एस्टिमेट के अंदर एक प्रपोज किया गया है डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जो एरिया है जो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे हमें। वैसे भी हम जानते हैं कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं काफ़ी सारे इकोलॉजिकल प्लेसेस के ऊपर, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। उसी तरह इस प्रोजेक्ट के भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट हैं, उनके अंदर क्या क्या फ्यूचर में क्या हो सकता है कि जो ऑलरेडी स्कार्स वाटर स्कार्स एरिया है जहाँ पे पहले पानी की कमी है वहाँ से पानी बिल्कुल गायब हो सकता है बुंदेलखंड रीजन के अंदर, जो कि पहले ही ड्रॉट प्रोन एरिया है। और इसके अंदर क्या, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाएगा, 5 मीट्रिक टन किम्बरलाइट है, किम्बरलाइट और है वो एक्सकवेट किया जाएगा हर साल, पर एन्यूम की बात हो रही है, जिसकी वजह से 3.70 मीट्रिक टन है वो सोइल वेस्ट निकलेगा, 16.34 मीट्रिक टन है वो ओबी वेस्ट निकलेगा, और 5 मीट्रिक टन है वो टेलिंग वेस्ट निकलेगा। अगला क्वेश्चन है सिलान बम, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है हमें बताना है। ये फोल्क पेंटिंग है महाराष्ट्र की, या फिर मार्शल आर्ट है तमिलनाडु का, या हैंडीक्राफ्ट है पंजाब का, या स्पेशल स्वीट है गुजरात की। वैसे पिक्चर देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्या है, ये मार्शल आर्ट है तमिलनाडु का। ये आप देख सकते हैं कि ये वेपन बेस्ड है, जिस तरह ये बांस जो बैम्बू होता है उसके साथ में ये आपस में फाइट कर रहे हैं। वैसे आपने देखा ही होगा जनरली मार्शल आर्ट के अंदर हैंड्स का, फुट्स का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ना कि किसी वेपन का। लेकिन ये एक एनिशेंट वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है जो कि इमर्ज हुई थी तमिलाकम में, जो कि अभी तमिलनाडु रीजन के अंदर आता है। वन ऑफ दी ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स के अंदर आता है वर्ल्ड के अंदर। ये स्टाइल है ये तमिल संगम लिटरेचर के अंदर भी बताया गया है, और ये क्लोजली लिंक है किसके साथ में, जो केरला का मार्शल आर्ट है जिसका नाम है कलारीपट्टू, उससे रिलेटेड है। सेल्बम इनकॉर्पोरेट करता है वेरियस टाइप जो वेपन से रिलेटेड या फिर मेथड्स हैं ट्रेनिंग के अंदर। सेल्बम के अंदर इंक्लूड होता है एक ट्रेडिशनल वेपन जिसे बैम्बू से, जो कि बैम्बू से बना होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहें तो आप तमिलनाडु के अंदर जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट, ये 2020 के अंदर प्रेजेंट की गई थी, ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट 2020 जो रिसेंटली पब्लिश की गई है। ये किसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है ये हमें बताना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मैंने आपको पहले भी बताया अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी या फिर किसी डिजीज से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आती है तो वो मेनली मिलती है हमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही प्रेजेंट की जाती है। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने खुद को मलेरिया फ्री, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि एक ऐसी कौन सी कंट्री है जो अभी अभी मलेरिया फ्री हुई है। वैसे तो दो ही हैं, एक एल सल्वाडोर है और एक चाइना है, लेकिन चाइना के बारे में हमने बात की थी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा सकता है, डायरेक्टली वैसे भी पूछा सकता है, या फिर आपको बोलें कि ये 2020 की जो रिपोर्ट है मलेरिया की, ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट
उसको उसके रेफरेंस में आपको इन सभी स्टेटमेंट का आंसर देना है। उसमें बोल सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रेजेंट करती है, फिर उनसे कोई और ऑर्गेनाइजेशन का नाम देके आपको बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट करती है और इसके अंदर ये देश हैं जो फ्री हुए हैं अभी, या फिर कुछ और डिटेल्स दे सकते हैं इसके बारे में और आपको बोलेंगे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरीके से एक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन अलग अलग निकल सकते हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी और आप अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। सन 1900 से 127 कंट्रीज़ हैं वो रजिस्टर हुई थी कि वो मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे। 2021 के अंदर एल सल्वाडोर जो कि जिसने 25 फरवरी को खुद को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया, और 29 जून को चाइना ने खुद को डिक्लेयर किया था मलेरिया फ्री, और ये प्रेजेंट की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बारे में मैंने बताया था आपको, अगर लगातार 3 साल तक कोई भी केस नहीं निकल कर आता एक पर्टिकुलर डिजीज़ के रिलेटेड तो उसे उस डिजीज़ से फ्री बनाया जाता है, मान लिया जाता है। चाइना ने एक स्पेशल स्ट्रेटजी यूज़ की है जिसका नाम है 137, ये सिस्टम है। इसके अंदर एक दिन के अंदर उसको मलेरिया को डायग्नोज किया जाएगा, 3 दिन के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और 7 दिन के अंदर उसके अंदर पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर मलेरिया सर्वेलेंस ये ड्रग रेसिस्टेंस या फिर जीनोम बेस्ड अप्रोच है जिसके अंदर डिक्स ऊपर कंडक्ट की गई है नेबरिंग कंट्रीज़ की चाइना के द्वारा, और स्क्रीन किया गया है ताकि प्रिवेंट किया जा सके कोई भी अनवांटेड मलेरिया का केस है वो हमारी कंट्री के वो चाइना के अंदर एंटर ना कर पाए। ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट 2020 जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रेजेंट की जाती है, अगर उसके अंदर 2019 की बात करें तो एस्टिमेट है कि 229 मिलियन मलेरिया केसेस हैं जिनके अंदर 409,000 डेथ भी देखने को मिली। उसमें से 87 मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज रिकॉर्डेड की गई हैं और कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसका है, मतलब कि बर्डन सबसे ज़्यादा 94% अफ्रीका का है। वहाँ पे आप समझ सकते हैं वैसे ही कोई फैसिलिटीज़ नहीं देखने को मिलती हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन उनका अच्छे से फ़ायदा उठाने वाले दूसरे देश ही हैं, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का 2% जो मैंने शेयर किया है 2% जो ग्लोबल मलेरिया केसेस हैं उनके अंदर 2019 में। फिर अगला क्वेश्चन है कोविड के रेफरेंस में हमें बताना है स्वैब स्क्वैब उसमें देखने को मिला ये क्या है, हमें बताना है ये कोविड की नई वैक्सीन है या फिर एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है या फिर ओरल मेडिसिन है या फिर एक ग्लोबल अलायंस है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसको देख लेते हैं, एक साइंटिस्ट की टीम है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस से बिलोंग करती है, उसने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि उसने रियल वर्ल्ड रिजल्ट निकाले हैं। ये एक टाइम पे हज़ारों जो सैंपल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है उसके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है। इसकी वजह से हमें क्या हेल्प मिलेगी, हम 2 मंथ से कम टाइम में 80,000 टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं और उसकी एक्यूरेट डिटेल्स बता सकते हैं। ये सैंपल स्पेसिफिक मॉलिकुलर बारकोड्स को यूज़ करती है ताकि एनालाइज कर सके थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स को एक ही टाइम। iSAT-2 सैटेलाइट ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है, ये लॉन्च की गई किसके द्वारा, रोसकॉस्मोस, इसरो, जाक्सा, नासा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा नासा। इसके बारे में देख लेते हैं, iSAT-2 की हेल्प से डिस्कवर किया गया है अंटार्कटिका के अंदर 2 मेल्ट वाटर लेक को, किसके द्वारा, हेलन अमेंडा फ्रिकर, काफ़ी बड़ा नाम है ना, हम फ्रिकर बुलाएंगे इनको। फ्रिकर ने क्या किया है, डिस्कवर की थी 2007 के अंदर और उन्होंने एक हिडन नेटवर्क ढूंढ लिया था इंटरकनेक्टेड लेक्स का अंटार्कटिका आइस शेल्फ्स के अंदर और उन्होंने पाया था कि लेक्स हैं वो एक्टिवली फिल भी हो रही हैं और ड्रेन भी हो रही हैं और जो प्रेजेंस है मेल्ट वाटर की वो बीनत कर रही है आइस शीट्स को। इसके अंदर कुछ नेटवर्क्स हैं जो एक्टिवली वाटर सिस्टम को ब्रेक थ्रो कर रहे हैं। फ्रिकर ने डाटा यूज़ किया है नासा के iSAT का, ये सैटेलाइट यूज़ करती है लेज़र पल्सेस को ताकि डेटा को, किसके डाटा को, आइस क्लाउड्स और लैंड्स के डाटा को इवेलुएट कर सके और ये एक सक्सेसर है iSAT-2 iSAT का सक्सेसर है जो कि लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 2018 के अंदर, और इसके अंदर जो डाटा है वो गैदर किया जाता है हायर प्रोसेसिंग के साथ में, और इस डाटा को यूज़ करके फ्रिकर ने डिस्कवर किया है 2 नई लेक को, मेल्ट वाटर लेक को जो कि अंटार्कटिका ग्लेशियर के अंदर पाई गई हैं। नेटवर्क हैं वो हाईली प्रोसेसिंग मैप किए गए हैं, इन मैप के द्वारा हम जो साइंटिस्ट हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो वाटर सिस्टम है अंटार्कटिका का उसको और फिगर आउट कर पाएंगे कि जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो ओशन के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये क्रिटिकली मेजरमेंट किए जाएंगे साइंटिस्ट के द्वारा और वो एक्सप्लेन कर पाएंगे और प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे जो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस देखने को मिलता है आर्कटिक लेक का। क्योंकि क्या हुआ था कि एक इनोमरस लेक थी वो 3 दिन के अंदर डिसअपियर हो गई थी,
आर्मी आइस लेव अंटार्कटिका के अंदर। इस वजह से साइंटिस्ट हैं वो कैलकुलेट कर पाएंगे, इस डेटा के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हैं वो कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग है वो रीज़न है, और जो ये लेक्स हैं वो अंटार्कटिका ग्लेशियर की मूवमेंट्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। इस मूवमेंट के दौरान आइस शीट्स हैं वो सफ़र करती हैं, क्रैकिंग भी हो जाती है उनकी और कैविसिंग भी हो जाती है। आपने वैसे सुना भी होगा काफ़ी सारी प्लेट्स हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में सुना होगा, वो टकराती रहती हैं, दूर जाती रहती हैं, यही प्रोसेस चलती रहती है। तो उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं उनको ये इजीली मेज़र कर पाएंगे। और आइस सेट का क्या मतलब होता है, आइस क्लाउड और इवेल्युएशन सैटेलाइट है ये पार्ट है नासा की जो अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम है उसका, ताकि मेज़र किया जा सके, आइस शीट को इवेलुएट कर सकें, उनकी इवेलुएशन की जा सके, सी की जो थिकनेस है उसका पता लगाया जा सके। और ये मेज़र करेंगे टोपोग्राफी, वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लाउड्स को भी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रेफरेंस में, एबिशिनिया मरीन। इसके बारे में पहले स्टेटमेंट, ये एक सॉल्ट साइग्रेटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव स्पीसीज हैं जो कि ग्रो होती है 75% सी वाटर के अंदर और जो कि टॉलरेंट होती है लेस देन 250% सी वाटर के अंदर। ये एक मोस्ट प्रोमिनेंट मैंग्रोव स्पीसीज है जो कि मैंग्रोव फॉर्मेशन इंडिया के अंदर उसके अंदर पाई जाती है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बारे में देख लेते हैं, साइंटिस्ट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट के हैं, लाइफ साइंसेज के हैं, भुवनेश्वर के अंदर, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि पहली बार कि इसके रेफरेंस में होल जीनोम सीक्वेंसेज हैं वो हाई सॉल्ट टॉलरेंट हैं और सॉल्ट सीक्रेटिंग है मैंग्रोव स्पीसीज के बारे में। इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, जो ड्रोट प्रोन या फिर सैलेंटी एरियाज हैं उसके अंदर जो क्रॉप हैं उनकी स्पीसीज हैं उनकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, उनको डेवलप किया जा सकता है रिसर्चर्स के द्वारा कोस्टल रीजन के अंदर, ताकि उनको बेनिफिट मिले कि वो अगर कैसे भी कंडीशन हो उसके अंदर टॉलरेट कर पाएँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार क्या होता है कि कोस्टल एरिया के अंदर बाढ़ हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उस टाइम पे क्रॉप्स को बचाए रखने के लिए उनकी स्पीसीज ऐसी होनी चाहिए कि वो कोस्टल रीजन के अंदर जो सॉल्टी वाटर होता है उससे खुद को बचा पाएँ। फिर अगला क्वेश्चन है, फाजिल मैंगोज, ये एक ज्योग्राफिकली आइडेंटिफिकेशन वाले मतलब कि जीआई टैग वाले मैंगोज हैं, ये कहाँ से कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं हमें ये बताना है, ओडिशा से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं, रिसेंटली क्या हुआ है कि कंसाइनमेंट भेजा गया है ज्योग्राफिकली इंडिकेटेड फाजिल मैंगो और वैरायटी सॉर्ट्स की मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट किया गया है बहरीन के अंदर। ये शिपमेंट है कुछ दिनों के बाद देखने को मिला जब APDA ने ऑर्गेनाइज किया था मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम दोहा कतर के अंदर। इसके अंदर 9 वेराइटीज़ हैं मैंगोज़ की, उनको इंक्लूड किया गया था वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से, और इन्हें जो डिस्प्ले किया गया था इम्पोर्टर फैमिली फूड सेंटर के अंदर। वो 9 वेराइटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं इसके बारे में देख लेते हैं, ये सभी की सभी GI सर्टिफाइड हैं। तो हमारी जो वेराइटीज़ उनके बारे में देख लेते हैं, खरिशपति, लाखन भोग, फाजिल, आम्रपाली और चौसा, ये सभी हैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट बंगाल के अंदर। और फिर लांगदा है ये नायदिया डिस्ट्रिक्ट से हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, और दूसरी ये मलिहाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर पलायम बैली कृष्ण कुट्टी वॉरियर, ये किससे रिलेटेड हैं, ये हॉकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, या फिर ये डोयन आयुर्वेदिक मेडिसिनर हैं, या फिर ये एक फेमस राइटर हैं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में, तो हम सोच सकते हैं कि उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, मेनली तो स्पेस जो स्टेट PCS वगैरह होते हैं, CAPF के एग्जाम्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि पर्सनैलिटी स्पेशल में ये UPSC के अंदर भी पूछा जा सकता है, हमें ध्यान में रखना चाहिए इनके बारे में। तो इनके बारे में देख लेते हैं, डॉक्टर पनाया बल्ली कृष्ण कुट्टी वॉरियर, ये एक जाने माने आयुर्वेदिक मेडिसिन की फील्ड के अंदर काम करने वाले फिजिशियन थे, जिनके जो मैनेजिंग ट्रस्टी भी थे वैद्य रत्नम PS वॉरियर आयुर्वेदा आर्य वैद्यशाला, जो इसी के हेडक्वार्टर में इनकी डेथ हो गई कोट्टायम मामल्लापुरम के अंदर। मामल्लापुरम के बारे में आप समझ सकते हैं,
इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो भी इसके अंदर आया था, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, कि क्वेश्चन इससे प्लेस से रिलेटेड भी बन सकता है। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन की डेप्थ वो कहीं से भी निकल कर आ सकती है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये फिजिशियन है, ये लास्ट मंथ इन्होंने अपनी 100 वर्ष की एज है वो कंप्लीट कर ली थी, और ये कोरोना वायरस से रिकवर कर चुके थे, और इन्होंने पिवोटल रोल प्ले किया है कि वो रीसेंस कर सके ये आयुर्वेदा को। ये वैद्यशाला को ग्रो करना चाहते थे प्राइम सेंटर के अंदर, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और कन्वर्ट करना चाहते थे ट्रेडिशनल हीलिंग को मॉडर्न और क्लासिकल थेरेपी के अंदर। वैसे तो आप समझ सकते हैं कि जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम मॉडर्न तरीके से यूज़ करेंगे या फिर दिखाएंगे तो उनकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे लोग। और आयुर्वेदिक चीज़ों की एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो उनकी नुकसान है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये एक्टिव हुए थे किस किस के अंदर, केरल शास्त्र साहित्य परिषद के अंदर, और ये लाइब्रेरी काउंसिल के अंदर भी, स्टेट के लाइब्रेरी काउंसिल के अंदर भी एक्टिव थे, और जो टैम प्रोटेक्टिंग कमेटी के अंदर भी एक्टिव थे। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। फिर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, अन्नपूर्णा देवी मंदिर लोकेटेड है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की वजह से ये न्यूज़ में आया है, तो आपको बताना है कि ये वाराणसी में है, नागपुर में है, मदुरई में है, या फिर सूरत में है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।